अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माय टीवी और आज मैं अब्दुल्ला सिटी के बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। बहुत अरसे से बहुत सारी सोसाइटियाँ विज़िट कर रहे थे और आज यहाँ अब्दुल्ला सिटी का विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ और अब्दुल्ला सिटी का विज़िट किया। बहुत सारे विज़िटर यहाँ देखे आ रहे हैं और माशाल्लाह विज़िटर आ भी रहे हैं और साथ साथ खाने भी खा रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखी है कि जैसे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लाट नहीं ले सकते और यहाँ पे बहुत रिजनेबल इन्वेस्टमेंट है। इंस्टॉलमेंट पे भी प्लाट मिल रहे हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। आप लोग समझते हैं कि आजकल एयरपोर्ट पे इस साइड पे आ गया, सी पैक पे इस साइड पे आ रहा है और तमाम तकरीबन मरकज़ अब ये बन रहा है। तो मैं ये मशवरा दूंगी अपनी आवाम को कि इस तरफ लाजमी विज़िट करें और देखें। और उसके साथ साथ मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी माय टीवी का जिन्होंने ये मौका दिया आज यहाँ बात करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, मेरा नाम मंसूर अहमद है और मैं रीजन मैनेजर के पी के डिवीज़न आपसे आज मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल्ला सिटी की साइड पर और आज संडे का दिन है। हमारे काफ़ी सारे विज़िटर्स हमारे तमाम पाकिस्तान में जितने भी हमारे ऑफिस हैं सबसे हमारे विज़िट हम फ्री विज़िट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को ऑल पाकिस्तान से ऑन संडे। मैं बेसिक डिटेल्स जस्ट प्रोवाइड करता हूँ आपको। अब्दुल्ला सिटी अजीज़ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है और इनके जो ओनर हैं अजीज़ बिल्डर्स के अब्दुल्ला मार्केटिंग एंड अब्दुल्ला सिटी के तो आसिम अजीज़ साहब, उनका अपना ये ज़ाती प्रोजेक्ट है और इनकी जितनी भी लैंड है अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इनके नाम पे लैंड अपनी ज़ाती लैंड है और एक्वायर्ड लैंड है। ये नहीं है कि हमने अभी ज़मीन परचेज करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी भी ज़मीन है हम एक्वायर्ड कर चुके हैं। हमें अगर आगे 5 से 7 साल बाद अगर एक्सटेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम ईज़िली कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी लैंड एक्वायर्ड कर चुके हैं। लैंड एक्विजिशन के अलावा एक और प्लस पॉइंट में अब्दुल्ला सिटी की ज़मीन ये काउंट होती है कि जितनी भी ज़मीन है तमाम इंतकाल और रजिस्ट्री वाली ज़मीन है और आसिम अजीज़ साहब के नाम पर ही है। हमने जितनी ज़मीन है इसको ब्लॉक वाइज कैटेगराइज किया है। इसमें हमारे पास रोड के एक तरफ 3 ब्लॉक हैं और रोड की दूसरी तरफ ऑलमोस्ट हमारे पास 10 ब्लॉक बनते हैं। इन 10 ब्लॉक जहाँ एंड होते हैं इनके पीछे हमारे पास फार्म हाउसेज हैं। कैटेगरी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। रेजिडेंशियल में 3, 5, 10 और 1 कनाल 3 मरला 5 मरला और 1 कनाल की रिहायशी प्लॉट हैं। कमर्शियल में 3 मरला 8 मरला और 1 कनाल है। इसके अलावा हमारे पास 3, 5, 8 और 16 कनाल के फार्म हाउसेज हैं। जितनी लैंड है हमारे पास, जितने ब्लॉक्स हैं हमारे पास, उन हर ब्लॉक के अंदर हमने इक्वली हर रेजिडेंट को इक्वली डिस्टेंस पे हमने लेआउट प्लान में पार्क्स दी हैं, स्कूल दिया है, कमर्शियल जोन दिया है, मस्जिद दी हैं, डिफरेंट किस्म के पार्क्स हैं इसमें। और इसके अंदर हमारे प्लान के अंदर ऑलमोस्ट हमारी एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, हर ब्लॉक के अंदर स्कूल भी है और जितनी भी हमारी लैंड है अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉपरली डेडिकेटेड स्पेस दिया है। इसमें वाटर थीम लेवल के पार्क तक हैं। 100 कनाल पे मुईद हम एक मस्जिद तामीर करेंगे। इसके अलावा जो हमारा 358 कनाल के एक वाटर थीम पार्क होगा जो कि एक बहुत बड़ा एक इसको बेसिकली हम अजूबे में काउंट करते हैं क्योंकि 358 कनाल पर हमारा जो इसके अंदर बनाने का प्लान है वो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया भर में इसकी इंशाल्लाह आवाज़ पहुँचेगी। और स्टे ट्यून, अब्दुल्ला सिटी से कनेक्ट रहेंगे। ऑन द स्पॉट आप ग्राउंड रियलिटी चेक करें, ज़मीन चेक करें, सारा कुछ वेरीफाई कराएं, उसके बाद आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। हमारी तरफ से हर संडे फ्री विजिट ऑप्शन है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। जस्ट आपने आना है, हमें टाइम देना है, अपनी कीमती टाइम से हम आपको विजिट करवाएंगे, सर्वे कराएंगे, ग्राउंड रियलिटी चेक करें, उसके बाद ऑन द स्पॉट आप अपनी परचेजिंग करें। थैंक यू।